सकिन पिहंडा कब आएगी तू आइए नन 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 गुरु खाना ले आया रख दे नाक कस के आया हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ जाओ रे जोगी यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई की अबे हमारे तो कभी सपने में लड़की नहीं आई तू इस गैराज में कहाँ से आएगी है गलत जगह ढूंढ रहे हो लड़की गुरु जल्दी आओ यार भूख लग रही है अरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है देसी घी का तड़का लगा गुरु रहमत सेठ ने स्पेशल ऑर्डर दिया था होटल वाले को सारी रोटियां खा गया भूखा कहीं का रोटियां सारी तुम खा गए अरे यार अगर इतनी भूख लगी थी तो पहले बोलते ना और रोटियां ले आता तुम्हारे लिए ओए सारी रोटी तू खा गया मुझे ब्लेम करता है चले अरे इतना छाती रोटी के लिए झूठ बोल रहा है यार गुरु तुम्हारी कसम मेरी कसम भूत की कसम साला एक हाथ गाड़ी से बाहर आया और रोटी अंदर क्या पागल जैसी बातें कर रहा है चला अरे छोड़ यार भूत है गुरु ये भूत है भूत अरे यार भूख में क्या कमाल चीज बनाई ऊपर वाले ने भूख उसने बनाई है तेरी चटनी मैं बनाऊंगा देख खिला के पिला के माना शरीफों का काम नहीं है और चोरी करके खाना शरीफों का काम है माफ कर देना कर दे गुरु कर दे चल ठीक है माफ किया मगर एक सांस में अपने बारे में सब कुछ बता मैं नशे करने वाला मेरे माँ बाप बन चुके मैं नशे करने वाला मेरे माँ बाप बन चुके एक मामा है जो मेरी शादी एक काली मोटी लड़की से करना चाहता है एक बाजार बंद मुंह पर चेचे के दाने मैं शादी नहीं करना चाहता मैं घर से भाग कर आया गाड़ी में छुपा कर मुझे पकड़ा दिया और क्या बोलू बोलू तो क्या बोलू अबे इतनी बुरी तरह से डरा दिया और क्या बोलू चल फूट यहां से हम लोगों को सोने का अच्छा दोस्त मैं चलता हूँ अरे इतनी रात गए तू कहाँ जाएगा यही सो जा आजा अरे चल ना चल सो जा अरे यार ये बिस्तर बहुत छोटा है मैं बाहर जाकर सोता हूँ ओए क्या लड़की की तरह नखरे करता है चल चुपचाप सो जा अरे चादर में नहीं तो ठंड लग जाएगी अरे ठंड तेरे को लग रही होगी मेरे को तो गर्मी लग रही है ओ बता सानू भी गर्म कर दे अरे ओए हिलना है गुरु चलो तो इतना हाफ करो अरे वो जो लड़का है ना उसके पास वो है क्या अरे वो जो तेरे पास नहीं है वो यानी कि वो लड़की है हाँ गुरु हो सकता है कल तो गुंडे भी उसका पता करने आए थे चलो चल कर देखते हैं अरे तू तू कहाँ जा रहा है क्यों अरे सारी रात मुझे तक क्या अब मुझे देखने दे जयराम जी की जयराम जी की अबे लोग सुबह उठकर सूरज देवता के दर्शन करते हैं और यहाँ सूरज देवता तेरे दर्शन कर रहे हैं ये कोई टाइम है उठने का अब जाने दे बजरंग उस काली मोटी एक बाजार बंद चेचक के दाग वाली से बचकर पहली रात छह इनकी नींद सोया बेचारा जी बिल्कुल है ना बिल्कुल ठीक
चैट की नींद सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, नहा धोकर नाश्ता वाश्ता करके जाना बड़ो। वो क्या है कि मैं दिन में नहाता वहाता नहीं, और यार नाश्ते से अपना कोई वास्ता नहीं, सीधा दिन में खाना खाता हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इस गैराज की हर चीज सुबह पानी से नहलाई ना जाए तो दिन भर धंधे में पनौती लगी रहती है। बिना नहाए तो तुम जा ही नहीं सकते। गुरु कपड़े उतार दो इसके। उतार दो? जबरदस्ती है क्या, मैंने नहीं नहाया। अरे कपड़े उतारता है कि नहीं? छोड़ छोड़ उतारता हूँ ना कपड़े। उतारता है? नहीं उतारता। और तेरी तो क्यों मिस रोडी चोर, कैसी रही? अरे तू रोने लगी? अरे मैं जानता था तू लड़की है, इसीलिए तेरे साथ मजाक कर रहा था। तकदीर जिसका मजाक बना दे उसका सभी मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, फिर भी गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा ये बताओ तुम लड़का क्यों बनी? अपने मामा की वजह से। मामा? माँ बाप के मर जाने के बाद मामा ही मेरा सब कुछ था, वो मेरी शादी एक बदमाश लड़के से करना चाहता है ताकि वो मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था इसलिए मैं लड़का बनकर वहां से भाग निकली। मामा के आदमी मेरा पीछा कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे गैराज में पनाह ले ली। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सर जी। ये वही मामा है और साथ में उन गुंडों को मैं जानता हूँ। ओहो शाका, तो ये गैरेज तुम चला रहे हो? मैं उन पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करता हूँ जिन्हें कोई और ठीक नहीं कर सकता। तुम क्या ठीक करवाने आए हो? ठीक करवाने नहीं शाका, तुम्हारे गैरेज में एक नई गाड़ी आ गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। अच्छा तो ये नया धंधा शुरू कर दिया तुमने? हम हर वो धंधा कर लेते हैं जिसमें कोई कमाई हो। हाँ चाहे उसके लिए अपनी माँ बहन क्यों ना बेचनी पड़े। शाका! अच्छा यही है कि तुम मेरी भांजी को मेरे हवाले कर दो। अरे लालच है तुम जैसे मामा पर, मामा के लिए भांजी बेटी समान होती है और तुम उसे ही लूटना चाहते हो। शंकर अगर आज तुम ना होते तो मैं फिर उसी दलदल में पहुंच जाती। घबराओ मत आरती, अब तुम्हारा मामा यह कभी नहीं आएगा। हे प्रभु, शंकर जैसे इंसान का सहारा देकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है, इस सहारे को मेरे जीवन का सहारा बना दे प्रभु। इंस्पेक्टर ये जुल्म है, साफी है, इस तरह किसी शरीफ आदमी को बंद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। शरीफ बनने का नाटक करके तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझको नहीं। आरती के मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है, अपनी भांजी को भगाने का तुम पर इल्जाम लगाया है। अरे आओ आओ भांजी आओ, मैंने तो सोचा था तुम्हें पुलिस पहुंचाने आएगी, लेकिन लगता है तुम तो अकेले ही चली आई। आज मैं तुमसे जिंदगी का हर नाता तोड़ने आई हूँ,
तेरा मेरा नाता कैसे टूट सकता है भांजी? तू मेरी स्वर्गीय बहन की एकलौती संतान, तेरा मेरा रिश्ता तो मेरा तुम्हारा रिश्ता जिस जायदाद ने जोड़ रखा है, मैं वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगी, मगर तुम्हें शंकर को पुलिस से छुड़वाना होगा। एक अजनबी के लिए इतना बड़ा बलिदान, शायद तुम नहीं जानती वो क्या था। वो क्या था इससे मुझे कोई मतलब नहीं, उसने मुझे सहारा दिया, मेरी मदद की। अगर उसे इस झूठे इल्जाम में सजा हो गई तो तुम्हारे जैसे कंस मामा से कोई नहीं बच सकेगा। क्या बक रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने शंकर को ठीक तरह समझा नहीं। उस बेचारे ने तो मेरी भांजी की मदद की, उसे गुंडों से बचाया। बोल रहे हैं आप? शंकर बदमाश है, चोर है, आपने जो उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाई है वो सच है। देखिए, आपको शंकर के किसी भी आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए। हवलदार जी साहब, छोड़ दो उसे। माफ करना शंकर, तुम्हें समझने में मुझसे भूल हुई। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन मेरे हाथों से तुम ज्यादा दिन नहीं बच सकोगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता इंस्पेक्टर कि मैं एक शरीफ इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि तुम जैसे लोग समाज के लिए कैंसर हो, जिसका इलाज करने के लिए सरकार ने हमें नौकरी दी है, ये वर्दी दी है। अगर तुम चलते तवे पर बैठकर भी अपनी शराफत का ढंढोरा पीटोगे तो भी मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम यकीन करो या ना करो इंस्पेक्टर, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। इस पर मेरा यकीन आज और भी मजबूत हो गया है। इस पुलिस स्टेशन से बाइज़े जाना मेरी सच्चाई की पहली जीत है इंस्पेक्टर। ये तो समझ गया कि तुम्हारी भांजी तुम्हारे पास पहुंच गई है, मगर इतना याद रखना कि अगर तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। अरे अरे बेटे, खामखा क्यों धमकी देके अपनी एनर्जी और मेरा वक्त खराब कर रहे हो? मेरी भांजी तो तुम्हारे यहाँ है। मेरे यहाँ? पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है, उसने अपनी सारी जायदाद तो मेरे नाम लिख दी और कहा मेरे शंकर को बचा लो।